आखिरी विस्तार माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 4 से 5 महीने का वक्त रह गया है। हालांकि इस मंत्रिमंडल विस्तार के कयास तब ही लगने लगे थे जब उन्होंने 2 मंत्रियों को एक साथ बर्खास्त कर दिया था, और उसके बाद से ही कोशिश थी कि किसी तरह से हो सके मंत्रिमंडल में विस्तार किया जा सके, लेकिन इसके बीच पार्टी में घमासान मच गया था। उस वक्त सीएम ने गायत्री प्रजापति और राजकिशोर सिंह को बर्खास्त किया था। इसके बाद से ये जो लड़ाई थी वो मंत्रिमंडल से बाहर जाते हुए पार्टी में और फिर घर तक जा पहुंची। आखिरकार इन तमाम चीजों को शांत किया मुलायम सिंह यादव के निर्देश ने। मुलायम सिंह यादव के निर्देश के बाद सबने माना कि जो नेताजी कहेंगे वही होगा, और अब एक बार फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं अखिलेश यादव 26 सितंबर यानी कि सोमवार को। अखिलेश सरकार का 8वां मंत्रिमंडल विस्तार, रार के बीच विस्तार। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल का 8वां विस्तार होने जा रहा है। मंत्रिमंडल में होने जा रहा यह विस्तार समझौता अंतिम विस्तार ही होगा। 26 सितंबर को मंत्रिमंडल विस्तार करने के लिए राज्यपाल राम नाईक से तिथि तय कर ली गई थी। 12 सितंबर को 2 कद्दावर मंत्रियों की बर्खास्तगी के बाद से मंत्रिमंडल विस्तार के कयास लगने लगे थे। 17 सितंबर को राज्यपाल को पत्र भेजकर मंत्रियों को शपथ दिलाने का अनुरोध किया गया था। इस पर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से फोन पर बात कर खुद ही तारीख बताने के लिए कहा था। मुख्यमंत्री ने राजभवन को एक और पत्र भेजकर 26 सितंबर को नए मंत्रियों को शपथ दिलाने का राज्यपाल से अनुरोध किया। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के अनुरोध को स्वीकारते हुए 26 सितंबर को दिन में 12 बजे का समय तय कर दिया। नए मंत्रियों को राजभवन के गांधी सभागार में शपथ दिलाई जाएगी। कौन बनेगा मंत्री? राज्यपाल के शपथ के लिए 26 सितंबर की तिथि तय करने के बाद से मंत्री पद हासिल करने के लिए लॉबिंग तेज हो गई है। मंत्रिमंडल विस्तार में गायत्री प्रसाद प्रजापति के साथ ही बलिया की जयउद्दीन का नाम भी लगभग तय माना जा रहा है। साथ ही अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल से हटाए गए मंत्रियों में से 2 को फिर से मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। 27 जून को मंत्री नामित जयउद्दीन को शपथ दिलाया जाना भी तय माना जा रहा है। मंत्रिमंडल में एक स्थान के लिए शिवकांत ओझा, राजकिशोर सिंह और मनोज पांडे में जोर आजमाइश हो रही है। तो हालांकि ये